करने जा रही है और मैं इस वेलफेयर सोसाइटी का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये वेलफेयर सोसाइटी इस कदम को लेकर हमारे इस मुजफ्फरनगर में आई है और मैं इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरा सहयोग करूँगी और सभी से चाहूँगी कि आप लोग भी सहयोग करें। उसके लिए हम टीचर्स के एक फॉर्म फिल करा रहे हैं, उसमें उनका सिलेक्शन होगा और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। आप सब लोग जो भी अपने आसपास ऐसे टीचर्स हैं उन सभी लोगों को आप लोग इसके बारे में बताइए ताकि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जा सके। आप सब लोगों से मेरी यही आकांक्षा है कि आप सब लोग इसमें सपोर्ट करेंगे और ऐसे टीचर्स के परिवारों को जो सहयोग मिलेगा उसमें अपना समर्थन देंगे। मैं डॉक्टर एस एन एस जैदी मुजफ्फरनगर में काउंसलर के हिस्से से काम करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं हैं। इस वक्त शासन और प्रशासन की दृष्टि से तो हम एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ा होता है। समाज अगर एकजुट हो और एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखे और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो तो ऐसा समाज सबसे शक्तिशाली समाज होता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे भारत देश की अस्मिता और इसका संवैधानिक आधार और हम लोगों के दरमियान में आपसी सौहार्द ये पहले नंबर पर आता है। इस दृष्टि से जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक सभी संबद्ध पक्षों से जो इसमें दिलचस्पी ले वो सभी के सभी प्रवास की इस मुहिम में सहयोग करें। जो इन्होंने उन निर्धन शिक्षकों के लिए चलाई है कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। धन्यवाद। और मैं एक्शन एड और यूनिसेफ और एबीसीएल का एक ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहा है नई पहल। ये नई पहल प्रोग्राम जो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है और खासकर सीजनल माइग्रेशन जो बच्चे हैं और ये यूपी के 20 जिलों में चल रहा है जिनमें अपना मुजफ्फरनगर में शामिल है। तो उसी दौरान हमारा जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा विजिट रहता है और कोविड-19 के दौरान हालांकि स्कूल बंद है लेकिन फिर भी हम बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसमें शिक्षा विभाग की मदद कर रहे हैं। तो उसी के तहत हमें कुछ स्कूल से प्राइवेट स्कूल में भी हम गए हैं तो हमें ऐसे बच्चे ऐसे टीचर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं जो कोविड-19 के दौरान अपनी रोजगार गंवा चुके हैं या स्कूल ने उन्हें 6 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया है अनपेड जो सैलरी है उस पर। तो ऐसे टीचर्स के लिए परवाज लाइवलीहुड मिशन दिल्ली और यूनिटी में परवाज लाइवलीहुड मिशन का जो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा कदम उठा है। 6 महीने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, उसमें कुछ हमारे टीचर्स होंगे, उसमें एक क्राइटेरिया है, उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी, वो कितने जरूरतमंद है, उसमें फिर ऑफलाइन ऑनलाइन उनका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा उसके बाद। लेकिन एक अच्छी कोशिश है कि कुछ टीचर्स हमारे इस फाइनेंशियल सपोर्ट को पाएं और उसका लाभ उठाएं और इसमें मुजफ्फरनगर में उनको सपोर्ट करने के ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी एक अच्छी संस्था है जिसने इलेक्शन के दौरान पूरी हमारी नई पहल के दौरान नई पहल में बच्चे जो फाइंड आउट कराने के दौरान और खसरा रुबैला जो अपना ये था हेल्थ मिशन के साथ सबकी मदद की है। तो उसमें वो एक अच्छा उनके लिए बहुत ही अच्छा जो है उनको देख रहे हैं इस मिशन को जो है इस प्रोग्राम को हमने बिल्ड सोसाइटी चला रही है और नई पहल के उस मिशन भी हमारे जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं वो पूरी मदद करेंगे और ऐसे टीचर्स को फाइंड आउट कराने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों मैं खुर्शीद हैदर आपसे मुखातिब हूँ। मैं ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के एक रुकन की हैसियत से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसा कि अभी सचिव साहब ने बताया है शाहिद साहब ने कि परवाज फाउंडेशन जो दिल्ली की एक मारूफ संस्था है उसने मुहिम छेड़ी है कि वो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं हमारे पढ़ाए हुए उन्हें स्कूलों ने और गवर्नमेंट ने भी उन्हें अलग कर दिया। अब सवाल उनकी रोजी रोटी का है तो उन्होंने कोविड-19 में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत जो है वो आवाम की समाज की सेवा की। आज उनकी रोजी रोटी का सवाल है, 6 महीने से उनकी सैलरी भी नहीं मिली
तो ये मुहिम परवाज फाउंडेशन ने छेड़ी है। हम इन एजुकेशन से जुड़े लोगों का भरपूर समर्थन करते हैं और गुजारिश करते हैं कि उनको कम से कम जो 6 महीने की सैलरी है वो भी मिले और उनकी रोजी रोटी का भी ख्याल रखा जाए। तो हम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से परवाज फाउंडेशन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ है। खुदा मेरा नाम करणू है और मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ की तरफ से हूँ। जैसा कि आज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है परवाज फाउंडेशन और कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि कोविड-19 के दौरान जितने भी हमारे टीचर्स इसमें परेशान हुए हैं जिनको रोजगार की कोई भी दिक्कत आई है और वहाँ पर जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस महामारी में जो भी परेशानियाँ होंगी लाइफ एजुकेशन आपको पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि हम लोग भी फील्ड में ही रहते हैं और जहाँ पर भी हमें भी इस तरह की कोई टीचर्स अगर कॉन्टेक्ट में आए हमारे तो हमारे जरिए भी आप लोग अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। और मेरी यही सब लोगों से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये आप ही लोगों के लिए काम किया जा रहा है और अपने आप को कोविड-19 से भी पूरी तरह महफूज रखें इसी आशाओं के साथ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत बहुत